नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, यूपी 76 न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर जनपद की कुछ खास और बड़ी खबरें। तो आइए देखते हैं यूपी 76 न्यूज़ का प्राइम टाइम। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव मोहम्मद यूनुस अंसारी के नेतृत्व में बाढ़ ग्रस्त ग्राम सभा धर्मपुर कटरी क्षेत्र में फतेहगढ़ महोत्सव संयोजक रिजवान अहमद ताज, राजीव वाजपेयी, जाहिद उर्फ जुम्मन, राजा भैया गुड्डू, अफरोज अब्दुल रहमान, अयूब सगीर आदि ने क्षेत्र में फैल रही बीमारियों के मद्देनजर दवा वितरित की। आपको मालूम हो कि फर्रुखाबाद के सभी समाज सेवी अपने साथ MD चिकित्सक असमत अंसारी व MS चिकित्सक सलीम अंसारी को साथ ले गए, जिन्होंने मौके पर मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण कर दवाएं वितरित की। युवती के साथ महीनों तक दुष्कर्म करने के आरोप में एवं प्रताड़ित व अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी के मामले में 4 लोग बुरी तरह फंस गए हैं, साथ ही दरोगा पर भी गंभीर आरोप हैं। बीते दिन बार एसोसिएशन के चुनाव में 10 घंटे के मतदान में 784 मतदाताओं ने मतदान किया। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सूची से नाम गायब थे, परंतु वह अपने पक्ष के प्रत्याशी के साथ डटे रहे। बार एसोसिएशन के चुनाव में चंद लोगों द्वारा जाति धर्म की भी दुहाई दी गई, परंतु सभी पड़ावों को पार कर चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात जवाहर सिंह गंगवार अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह यादव सचिव, सुरेंद्र सिंह राणा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कृष्ण कुमार कश्यप कोषाध्यक्ष, गौतम सिंह वर्मा कनिष्ठ उपाध्यक्ष, शिखर सक्सेना संयुक्त सचिव महिला रंजन कश्यप, संयुक्त सचिव ब्रजेश कुमार, पीयूष दुबे कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, शमीम खान, पुष्पेंद्र यादव, शिवेंद्र मोहन मिश्रा, शिव मोहन कटियार आदि विजयी घोषित किए गए। फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से विद्यालय से चुराया गया सामान बरामद हुआ है। बीते दिनों नवाबगंज के ग्राम समयचीपुर स्थित विद्यालय में नकब लगाकर इन्हीं दोनों ने चोरी को अंजाम दिया था। थाना कादरीगेट क्षेत्र के मोहल्ला मदारवाड़ी में अचानक फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक के पांव में गोली लग गई। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नगर ने यूपी 76 न्यूज को बताया। कल करीब रात के 11 बजे थाना कादरी गेट पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ही मोहल्ला मारवाड़ी में फायरिंग हुई है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी की गई तो पता चला कि कुछ अज्ञात युवकों द्वारा मोहल्ले में झगड़ा किया जा रहा था और उन्हीं में से किसी ने झगड़े के दौरान गोली चला दी, जो कि पास के ही मकान में खड़े युवक सूरज, जो कि अपनी ससुराल में आए थे, उनके पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गए। घायल युवक को लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात युवकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं थाना पुलिस के द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। तो आइए अब सुनते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पम्मी नगला में युवती के गोली लगने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार खुद मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने घटना के संबंध में यूपी 76 न्यूज को बताया। यहाँ ग्राम पम्मी नगला में दीक्षा, इनकी उम्र लगभग 18 वर्ष बताई जा रही है, और उनकी डेड बॉडी उन्हीं के घर में उनके कमरे में मिली है। प्रथम दृष्टया देख के ये प्रतीत हो रहा है कि ये गनशॉट इंजरी है, और इनके परिवारजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन्होंने स्वयं आत्महत्या की है। हमें उनके पास से एक तमंचा ही बरामद हुआ है। बाकी और परिस्थितियों पर पुलिस जाँच कर रही है, जाँच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।